जब कुरान में इतना क्लियरली एक्सप्लेन्ड है तो उलेमा को भी पता ही होगी ना, वो तो हाफिज़े कुरान होते हैं। हाँ पता होगा, लेकिन आपने कभी उनको ये आयत का कहते हुए सुना है? आप तो इतने बड़े बड़े मौलवियों को फॉलो करते हो। ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा। नहीं कहा होगा आप ही, वो लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे तो फिर लोग उनको कहेंगे कि हमको भी मोमिन बनना है। अब वो किसी को क्या मोमिन बनाएंगे, वो तो खुद मोमिन नहीं है। ये क्या कह रही हो ज़ैनब? उलेमा मोमिन नहीं है? नहीं है, उनको बस कुरान जुबानी याद होता है, नमाजें पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन ये सब तो तब काम आएगा ना जब आप पहले मोमिन होंगे। आपके अंदर नूर होगा तो उसका फायदा होगा ना। ये देखो, समझ लो आपने लेटेस्ट मोबाइल खरीदा, बेस्ट उसमें कैमरा है, बेस्ट उसका कवर खरीदा, अच्छे से अच्छे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लिया, जबरदस्त वाला वायरलेस चार्जर लिया, लेकिन आपके मोबाइल में बैटरी ही नहीं होगी तो ये सब कुछ काम आएगा? नहीं। जब मोबाइल में पावर ही नहीं होगा तो कितने भी अच्छे ऐप्स हों, कितना भी अच्छा कैमरा हो, कितना भी अच्छा आपका चार्जर हो, कुछ फायदा नहीं है। बैटरी होगी तो पावर उसमें स्टोर होगा, उसी से तो सब काम आएगा। ऐसे ही कल्ब बेदार होगा, उसमें नूर आएगा, तभी तो ये सारे अमाल काम आएंगे। नमाज पढ़ोगे तो उसका नूर कल्ब में जमा होगा, कल्ब बेदार नहीं होगा तो ये नमाज पढ़ते रहोगे सब जाया ही जाएंगे। कुरान में कहा है ना अल्लाह ने, तबाही है उस शख्स की जो नमाज की हकीकत से गाफिल है। नमाज की हकीकत क्या है? यही तो है, बगैर बैटरी के मोबाइल कैसे ऑन होगा? बैटरी नहीं होगी तो चार्ज कैसे होगा? लेकिन ये सब कुरान में है क्या? बिल्कुल है, इस्लाम में दाखिल होना है तो शराय सदर करो। शराय सदर मतलब सीना खोलना, सीना खोलने से मुराद सीने में चीज़ें हैं, उनको बेदार करो, तभी तो इस्लाम में दाखिल होगे। ये मौलवी खुद इस्लाम में दाखिल नहीं है, किसी और को क्या दाखिल कराएंगे? कोई कहता है ये कि इस्लाम को हासिल करने के लिए शराय सदर करो? ये लिखा कुरान मजीद में, सूरह जुमर है ये, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम। इस्लाम को हासिल करने के लिए शराय सदर जिसने कर ली है ना, फहुआ अला नूर मिन रब्बी, सिर्फ उसको और अपने रब की तरफ से नूर मिलेगा। तो कुरान है। और फिर लिखा फवैलुल लिल कासियत कुलूबुहुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तबाही है उसकी नमाजों सजदों की, उसके रोजों की, उसके हर इबादत की जिनके दिल में अल्लाह का जिक्र सराइयत नहीं। औलाइक फी दलालिम मुबीन, अगर किसी के कल्ब में अल्लाह का जिक्र सराइयत नहीं करता तो वो खुली गुमराही में है। कोई और उसका अमल देखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको गुमराह कहने से पहले ये देखो ये देखो, नहीं, सिर्फ कल्ब अगर जिक्र से गैर आबाद है। औलाइक फी दलालिम मुबीन।